क्या हुआ? डीमार्ट। तो क्या हुआ? तो जाना है डीमार्ट पे। अरे मार्ट महंगा मिलता है डीमार्ट में? नहीं मिलता है, शॉप में महंगा मिलता है, यहाँ पर कम में मिलता है। कौन समझाएगा? चलो देखते हैं, शॉपिंग करके देखते हैं। 1000 रुपए देता हूँ तुमको, शॉपिंग करो। 1000 में शॉपिंग करके देखो। फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये डीमार्ट भंडारा है और यहाँ पर सस्ता मिलता है कि नहीं मिलता है, आप भी देखेंगे और ये भी देखेगी। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं डीमार्ट। देखिए कितना भीड़ है डीमार्ट में। फुल है, पार्किंग फुल हो चुका है। अंदर इधर बोल रहे हैं, इधर ये किंशु मस्ती कर रहा है, इसको भी डी। मैं भी मस्ती कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर यानी हॉलीडे होने के कारण काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे शॉपिंग के लिए। ये यहाँ का बैगेज काउंटर है, तो चलिए हम सिक्योरिटी चेक से होते हुए डीमार्ट में एंटर करते हैं। हमने पूजन सामग्री से शॉपिंग की शुरुआत की। डीमार्ट में आने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने सामानों की लिस्ट घर से बना के लाएं, वरना आपका बजट बिगड़ते देर नहीं लगेगी। और अगर आप अपने बच्चों को लेके आते हैं डीमार्ट, तो इंश्योर कीजिए कि उनका पेट भरा हुआ हो, उन्होंने डाइट प्रॉपर लिया हो और नींद भी प्रॉपर ले ली हो, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ वो डीमार्ट के अंदर नहीं ले पाएंगे। ना उनको भोजन मिल पाएगा, यानी कि भोजन खाने की वहाँ परमिशन नहीं है, और ना उनका आराम हो पाएगा। तो ये चीज जरूरी है। एक बात जो कि बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है वह यह कि प्रत्येक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अलग अलग सेलिंग प्राइस हो सकता है, इसलिए बोर्ड पर ना जाए। जब भी सामान खरीदे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस देख ही लीजिए और उसका सेलिंग प्राइस चेक कर लीजिए। भंडारा जिले का यह पहला डीमार्ट है और यह इस बात का सबूत है कि भंडारा जिला किस तेजी से विकास कर रहा है। इस बढ़ती महंगाई में डीमार्ट का खुलना भंडारा वासियों के लिए एक राहत की बात है। डीमार्ट अपने बेहतरीन प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस के लिए जाना जाता है। भंडारा वासियों ने भी डीमार्ट के खुलने पर इस बढ़ती महंगाई में चैन की सांस ली होगी। दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले सभी सामानों के साथ साथ पहनावे के फैशन वेयर भी डीमार्ट ने यहाँ पर मुहैया करवाया है, जैसा कि वो अन्य डीमार्ट में मुहैया कराता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चाहे बच्चे हो या जवान, लेडीज हो या जेंट्स, सभी के लिए उनके जरूरत के सामानों का यह वन स्टॉप सॉल्यूशन डीमार्ट ने मुहैया कराया है। ये मेरे काम है। चलो चलो। ये नाइटीज है। देख लो, आपने लिए है ना सूज से। हाँ, मुंह पोछने के लिए। ये ठीक है।
हटो सामने मत, मेरे तो ये शॉपिंग है। ब्लैक नहीं बिल्कुल, डकार मारती हो ए, देखो देखो इधर, इंशो ये देखो इधर, देखो इधर, अच्छा अच्छा आता कितने वाला देखो, नीचे नीचे ले लो, अभी मैं आया हूँ डीमार्ट के ट्रायल रूम में और यहाँ के कपड़ों की फिटिंग मुझ पे काफी अच्छी होती है। शॉपिंग करने में डुगू भी पीछे नहीं रहा, उसने भी बहती गंगा में हाथ धो ही लिए। डीमार्ट की तरह ही डीमार्ट का वॉशरूम भी बेहतरीन है और किसी भी तरह की भीड़ को संभालने के लिए सक्षम है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचे हैं बिलिंग के लिए और यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ लोगों की जमा हो गई है। मुझे लगता है 1000 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे 2 कपड़ों की ऑनलाइन में एंट्री नहीं होने के कारण उनकी बिलिंग नहीं हो पाई और हमें मायूसी इस बात की हुई कि हमें मिल भी नहीं पाया। फ्रेंड्स आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने जो टारगेट रखा था
बिल उसके 4 गुना से भी अधिक का बन गया है। वैसे कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी हमने सामान खरीदा है वो जरूरत के सामान है और उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, यानी कि बचत ही हुई है। चला चला धीरे 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 देखा धीरे। फ्रेंड्स 1000 का टारगेट रखा था और बिल बन गया 4471 रुपए का। अच्छा है, रीजनेबल प्राइस है और आप आ सकते हैं, आके देख सकते हैं। अगर आप भंडारा में हैं, हाँ, अगर शॉपिंग करना है तो एटलीस्ट थोड़ा बल्क में अगर परचेस करेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा। अगर महीने भर के लिए अगर आपको करना है बल्क में कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा सेविंग कितना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।